सुमंगल प्रभात बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बच्चों, जहाँ भी हों बस अच्छे से रहिए, क्योंकि हमारा धनबाद भी अब कोरोना से बचा हुआ नहीं है। कोविड-19 ने सबको घेर लिया है, इसलिए जहाँ भी रहिए बच्चों, बहुत अच्छे से रहिए और सुरक्षित रहिए। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को सुक्ति मौक्ति का पाठ परिचय पढ़ाया था। आज मैं आप लोगों को श्लोक और उसके अर्थ बता रही हूँ। वृत्तम यत्नेन यत्नेन संरक्षेद, वृत्त चरित्र कैरेक्टर, यत्नेन प्रयत्नपूर्वक, संरक्षेद संरक्षेद सुरक्षा करनी चाहिए, ये आपका विधि लिंग लकार है। वित्तमेति च याति च, वित्त वित्तमेति वित्त वित्तम प्लस इति वित्तमेति च याति च, वित्त मतलब धन और वृत्त मतलब चरित्र। तो मनुष्य को अपने कैरेक्टर, अपने चरित्र को यत्नपूर्वक संरक्षित रखना चाहिए, बचाना चाहिए। किसी भी हाल में अपने चरित्र को बर्बाद नहीं करना चाहिए, दुष्चरित्र नहीं बनना चाहिए, मतलब बुरी संगति बुरी आदतों से जितना हो दूर रहें, क्योंकि अच्छे चरित्र वालों को ही संसार में पूछा जाता है, बुरे चरित्र वालों से लोग दूर ही भागते हैं। वित्तमेति च याति, वृत्त चरित्र को यत्नपूर्वक संरक्षित करना चाहिए। और धन, धन का क्या है, वो तो आता जाता रहता है। और छीनो वित्त, छीनो वित्तस्तु हतो हत, अगर धन से अगर आप छीन हो गए, धन अगर खत्म हो गया, और अगर आपका चरित्र अच्छा है, वित्तस्तु हतो हत, अगर धन से छीन हो गया तो कुछ नहीं गया, धन आप फिर कमा लोगे, लेकिन एक बार चरित्र अगर चला गया तो उसे पुनः प्राप्त करना लगभग असंभव हो जाता है, क्योंकि जब एक बार बदनामी हो जाती, लोग जल्दी भरोसा नहीं करते हैं। अब देखिए दूसरा, श्रूयताम धर्म धर्म सर्वस्वम, श्रुत्वा चे वा वर्धयताम, चे वा वर्धयताम च प्लस एव प्लस वर्धयताम, श्रूयताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा चे वर्धयताम। धर्म जो आप सुनते हो, धर्म का जो बातें होती है, उसे आत्मसात करना चाहिए, अपने में समेट लेना चाहिए, उसका पालन करना चाहिए। आत्मा न प्रतिकूलानी परिशाम न समाधरेत, जो बात आपको अपने लिए अच्छी नहीं लगती है, अपने अनुकूल नहीं लगती है, वैसी बातें आपको दूसरों से भी नहीं करनी चाहिए। तो ये बच्चे किसकी नीति है, विदुर नीति, महात्मा विदुर, जो हम लोगों ने महाभारत में देखा, ये राजा दुर्योधन के पिता जो थे, उनके मंत्री हुआ करते थे। और ये जो पहला वाला हम लोगों ने पढ़ा, ये मनुस्मृति से है, मनुस्मृति ग्रंथ के पहले रचयिता, सबसे पहले जो हमारे विधि विधान बना हिंदू धर्म का, उसे मनुस्मृति में संग्रहित है। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले श्लोक की ओर। प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जनतव, तुष धातु रूप, तुष मतलब खुश होना, संतुष्ट होना, प्रसन्न होना, ये जंतु का बहुवचन है, जनतव। प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जनतव, तस्मात् तदेव वक्तव्यम वचने का दरिद्रता, मतलब प्रिय वाक्य बोलने से, प्रिय वचन बोलने से सभी जीव जंतु मनुष्य संतुष्ट हो जाते हैं, सबको अच्छा लगता है। तस्मात् तदेव वक्तव्यम वचने का दरिद्रता, इसलिए अच्छे बोल बोलने में मनुष्य को कंजूसी नहीं करनी चाहिए। ठीक ही तो कहा है, प्राचीन काल में लिखी गई बातें आज के संबंध में भी कितनी प्रासंगिक है, कितनी मीनिंगफुल है, कि अभी तक सरकार ने मीठी बोली पर टैक्स नहीं लगाया है, तो क्यों ना हम लोग मीठी बोली का प्रयोग करें। लेकिन सिर्फ किसी को खुश करने के लिए, उसके अवगुणों को अनदेखा करते, उसे प्रसन्न करने के लिए मीठी बोली बोले, ये भी सही नहीं है। तो कहा जाता ना कि बोली, मीठी बोली और कड़वी बोली, बोली बातें जो है, वाक्य शब्द, शब्द में बहुत शक्ति होती है, वो या तो सबका आपको प्रिय बना देगी
या अगर आप हमेशा कड़वी बोली बोलो, गुस्से में रहो, तो लोगों का दुश्मनी मिला, मतलब शब्द किसी तेज धारदार हथियार से भी ज़्यादा शक्तिशाली है। इसलिए शब्द को संभाल करके बोलना चाहिए। तो बच्चों, ये 3 श्लोक का अर्थ आप लोग याद करेंगे। आज का आपका होमवर्क है यही, लर्न श्लोकार्थ ऑफ चैप्टर 5। धन्यवाद।